श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 79 परिच्छेद 13 केशव चंद्र सेन के साथ श्री राम कृष्ण का नौका विहार आनंद और वार्तालाप। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, शुक्रवार 28 अक्टूबर 1882। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में है, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री राम कृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री राम कृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं, फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री राम कृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहां और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री राम कृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं, लाल धारीदार धोती कुर्ता मोजा जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी है, स्त्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशव आदि ब्राह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व ओर पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाई ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिवलिंग में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुल तला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्राह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुर बाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी। ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा। गीता 2:22।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री राम कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री राम कृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री राम कृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे, दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली, वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री राम कृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य, सभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर कुछ आदमी हैं और श्री राम कृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्राह्म भक्त टकटकी लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री राम कृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री राम कृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों में बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री राम कृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्राह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्राह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं। श्री राम कृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्राह्म भक्त श्री राम कृष्ण से, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री राम कृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यहाँ गिलाफ। गीता 5:5। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगा? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है,
भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं, जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार कहता है। ब्रह्म न यह है, न वह, न जीव है, न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति पर्सनल गॉड है, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं, यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है, वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साध कर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। महानिर्वाण तंत्र 4:15। त्वमेव सूक्ष्मा त्वं स्थूला व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्त्वा वेदि तुमर्हति। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री राम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो रहा है। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी, परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हसमुख आनंदमय प्रेम रंजित नेत्रों वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्व त्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है
और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती है, और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है, और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य द एब्सोल्यूट को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है, और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है, वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है, एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में तीन चार घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म, कोई काली कहता है, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि कहता है। केशव, सहास्य, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है? श्री राम कृष्ण, सहास्य, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, श्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य चंद्र ग्रह पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वरा भयदायिनी है, गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। श्मशान काली की संहार मूर्ति है, शव शिवा दाकिनी योगिनियों के बीच श्मशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंड माला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं। केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री राम कृष्ण, सहास्य, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है, उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीच छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में ऊर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है।
समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है, दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाश पूर्ण करता है। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7:13। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि से। बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री वे ही हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भव बंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है। श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है, इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी है, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी आनंदमयी है, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं। ब्राह्म भक्त, महाराज वे चाहे तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुओवल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तो हंसकर तालियां पीटती है। सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर, मन का क्या कसूर है। वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दे तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे। भावार्थ, मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूँ, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है, और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया न पाया, न लिया न खाया, यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश सुरस कुरस सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यहाँ रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है तुम ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है तुम ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्म योग संसार तथा निष्काम कर्म। ब्रह्म भक्त, महाराज बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री राम कृष्ण सहास्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा शिरा। सब हंसते हैं, बड़े आनंद में हो, नक्स का खेल जानते हो। मैं ज्यादा काट कर जल गया हूँ, तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए,
खेल चल रहा है, यहाँ तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे रंगों से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो सब्ज, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट फट ईट मीट, सब हंसे। और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक ओर स्त्री है और एक ओर संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। गीता 18:66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ईसाई धर्म, ब्राह्म समाज और पापवाद। श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं, चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है, मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था केशव के प्रति। तुम्हारे ब्राह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। भावार्थ। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी, हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता,
यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो। भावार्थ, चल मन घूमने चले, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य गृह में कब सोएगा? जब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता है, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रहे। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझाना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री राम कृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था, राम प्रसाद ने कहा था यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महा तेजस्वी थे, उनकी किसी बात में कसर नहीं थी। उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। गृहस्थ के लिए उपाय, एकांतवास तथा विवेक। श्री राम कृष्ण, परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी, संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़ जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है, वे चीजें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है, इसीलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोधादि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सद सत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए,
प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो। भावार्थ। विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा, श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री राम कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा। राधा कृष्ण को मानो या न मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। गीता 12:4। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः। भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर और थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है, इसके अधिकांश लोगों को सुध नहीं है। वे मग्न होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है, इसका होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सबने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री राम कृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री राम कृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रत। श्री राम कृष्ण केशव के प्रति। अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई। पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही न था। सब जोर से हंस पड़े। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना, माँ और बेटी अलग अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुम में से एक के एक समाज है, अब दूसरे को भी एक चाहिए। सब हंसते हैं। पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की, वहाँ जटिला कुटिला की क्या जरूरत थी। पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। सब जोर से हंसते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है, चाहे जो कुछ हो फिर भी है तो अपने ही। गीता 11:43। पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव। गुरु गिरी और ब्राह्म समाज, एक सच्चिदानंद ही गुरु है, सब लोग आनंदित हैं। श्री राम कृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर
सत्वगुण अधिक है। किसी के भीतर रजोगुण तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजिया बाहर से एक सी दिखाई देती है, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब हंसते हैं। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। तीन बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे, मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोग शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दे तो यह संभव हो सकता है। नारद, सुखदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहां पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया। और एक जगह खोदना शुरू किया, वहां रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी। फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं, इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है। पर्वत भी टल जाता है, सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। पूर्व कथा। भाव नेत्रों से हालदार पुकुर का दर्शन। उस ओर हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नानादि के लिए आते थे वे यहाँ देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया, यहाँ पाखाना न फिरे, तब सब बंद हो गया। सब हंसते हैं। लोग शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है, हास्य। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यहाँ समझ में आता है, योग्य उपदेश दिया जा सकता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हं इति मन्यते। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ। ईश्वर ही करता है, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। गीता 3:19। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। केशवादी ब्राह्म भक्तों को कर्मयोग संबंधी उपदेश। श्री राम कृष्ण केशवादी से। तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो, क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो,
वे यदि शक्ति दे तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दे? श्री राम कृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्राह्म भक्त, संसार का कर्म, वैषयिक कर्म? श्री राम कृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभो, मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वहाँ सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि इनाम कमाने की इच्छा आ ही जाती है। पूर्व कथा, शंभु मल्लिक के साथ दानादि कर्मकांड संबंध में वार्तालाप। शंभु मल्लिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। हास्य, पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो, ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? हास्य, भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभो, मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कली काल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण है, जीवन अन्न पर ही निर्भर है, अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य से चिकित्सा करवाने जाएं, तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्राह्म भक्तों के प्रति, तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति पर्सन मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ। अब जहाज कोयला घाट लौट आया, सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा, कोजागिरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री राम कृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे, थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए, तब श्री राम कृष्ण ने पूछा, वे कहाँ है, अर्थात केशव कहाँ है? देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए, चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं? गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री राम कृष्ण की पद धूलि ग्रहण की।
श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेजों का मोहल्ला है, सुंदर राजमार्ग है, दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं, पूर्ण चंद्र उदित हुआ है, इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही हैं। दरवाजों पर गैस बत्तियां, कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री रामकृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ना? नंदलाल के हाँ कहने पर श्री रामकृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है, गाड़ी के चलने लगते ही बाहर झांक कर आसपास के मनुष्य गाड़ी घोड़े चांदनी आदि देखने लगे, हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। नंदलाल कलू टोला में उतरे। श्री रामकृष्ण की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुंची। श्री रामकृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं, परंतु सुरेंद्र घर में नहीं है, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा? अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, किराया घर की स्त्रियों से मांग लो ना, क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहां आया जाया करते हैं? सब हंसते हैं। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने को कहा। घर वालों ने श्री रामकृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बिठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है, उस पर दो चार तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्न पूर्वक बनवाया हुआ तैल चित्र है, जिसमें श्री रामकृष्ण केशव को हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध आदि सभी धर्म तथा वैष्णव शाक्त शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न बैठकर मुस्कराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुंचे। अब तो श्री रामकृष्ण का आनंद मानो द्विगणित हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था, विजय था, ये सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये सब बातें कही। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर, जी हाँ, रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे, अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई, श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे।